हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपके कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंसर्न एंड इशू, बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड सब्जेक्ट। पिछले 5 सालों में सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सबको हम यहाँ पर देखेंगे। हर साल 10 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि 5 सालों के 50 सवाल देखने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले देखते हैं कि 2022 की परीक्षा में पूछे गए ये 10 सवाल। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप आसानी से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके 10 सवाल दोस्तों 2022 के हम पहले समझ लेते हैं। इससे एक और फायदा ये हो जाएगा कि आपको ये आइडिया लग जाएगी कि परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, आपकी तैयारी कितनी है। आप देखिएगा, सब आसानी से आप कर जाएंगे। बस आप ये समझिएगा कि क्या इससे संबंधित आपको कुछ पता है, कुछ लिख पा रहे हैं या नहीं। आशा करते हैं आप जरूर लिख पाएंगे। तो पहला सवाल आपसे पूछा गया था, उपनयन संस्कार क्या है। अब उपनयन संस्कार क्या है, पहले ये बताइए ये किस काल में दी जाती थी। तो उपनयन संस्कार दोस्तों वैदिक काल में दी जाने वाली संस्कार है। कब दी जाती थी, जब बच्चा शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हो जाता था तो शिक्षा शुरू करने से पहले उसे एक उपनयन संस्कार दिया जाता था वैदिक काल में। उपनयन, उपर का मतलब होता है पास, नयन का मतलब होता है ले जाना। उप यानी पानस और नयन यानी ले जाना, अर्थात गुरु के पास ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार। ये कब दी जाती थी, वैदिक कालीन शिक्षा में दी जाती थी। तो देख लेते हैं एक बार, उपनयन संस्कार हिंदू धर्म में बताए गए 16 संस्कारों में से एक है। इसमें सभी संस्कारों में महत्वपूर्ण माना गया है। यह संस्कार तब दिया जाता था जब बालक ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो जाता। शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय भेजने से पहले यह संस्कार किया जाता था। इसे यज्ञोपति या जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। समझ में आ गई, बहुत अच्छा, इसी तरीके से आपको लिख लेना है। अगला सवाल दोस्तों, वैदिक काल में छात्र जीवन कैसा था। तो दोस्तों वैदिक काल में छात्र जीवन बड़ा ही अनुशासित था। शिक्षक गुरु के प्रति बड़ा सम्मान करते थे। शिक्षक और गुरु दोनों एक साथ गुरुकुल में रहा करते थे। इनकी शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल में होती थी। शिक्षार्थी जो थे, विद्यार्थी जो थे, वो भिक्षा का भी काम करते थे, उसी से प्राप्त जो चीज़ें होती थी भोजन करते थे। सादा जीवन जीते थे, सादा वस्त्र पहनते थे, आभूषण से बचते थे, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते थे। तो इस प्रकार से हो गई वैदिक काल में छात्र जीवन, इसी से आपको लिख लेना है। चलिए, पढ़ने की ज़रूरत है, हो सकता मैंने जो बोला है हो सकता है वो लिखा भी ना हो। तो वैदिक काल के छात्र जीवन के बारे में आप जो समझते हैं वो आपको बस लिख लेना है। अगला सवाल, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय मतलब NCTE। दोस्तों ये ऐसा सवाल है ना कि इसको सेकेंड ईयर में भी कई बार हमने देखा है, सेकेंड ईयर में भी पूछ देता है। NCTE के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है दोस्तों। तो दोस्तों मुख्यालय इसका दिल्ली में है और क्षेत्रीय समितियाँ भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु तथा जयपुर में है। कहाँ कहाँ है दोस्तों, भोपाल, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और जयपुर में इसकी क्षेत्रीय समितियाँ हैं। अगला देख लेते हैं, वैदिक काल में वित्तीय व्यवस्था, वैदिक काल के गुरुकुलों में पैसे कहाँ से आते थे। तो देखिए, कोई बच्चों से फीस नहीं ली जाती थी, गुरु दक्षिणा के रूप में घर के बच्चों के माँ बाप जो देते थे वही काफ़ी था। इसके अलावा जो बच्चे भिक्षा लेके आते थे वो एक प्रमुख साधन था। इसके अलावा दोस्तों गुरु जी जो थे उस समय वो खेती करना या पशुपालन करना, उस समय जो वो कार्य करते थे वो इनकी प्रमुख वित्तीय होती थी। इसके अलावा कहीं किसी ने राजकार्य से कोई दान दे दिया तो ये इनकी प्रमुख वित्तीय व्यवस्था होती थी। वैदिक काल में वित्तीय व्यवस्था गुरु के निजी उपचारित धर्म शिष्यों द्वारा लाई गई भिक्षा, गुरु दक्षिणा, दान में मिले पशु व भूमि प्राप्त आय, उपहार तथा राजकीय शिक्षा की सहायता से संचालित होती थी। किसी ने कोई उपहार दे दिया, किसी ने कोई दान दे दिया, गुरु दक्षिणा दे दिया, इसी से दोस्तों वैदिक काल की वित्तीय व्यवस्था चलती थी। बिस्मिल्ला रस्म आपसे पूछा गया है 2022 में। बिस्मिल्ला रस्म का मतलब होता है मुस्लिम कालीन शिक्षा में जैसे कि वैदिक काल में उपनयन होता था, उसी तरह मुस्लिम कालीन शिक्षा में बिस्मिल्ला रस्म होता था। इसमें क्या है भाई, जब बच्चा 4 साल 4 महीने और 4 दिन का हो जाएगा तो उसे मदरसे में लेके जाएंगे, मौलवी साहब उसे कुरान की कुछ आयतें बताएंगे, अगर वो पढ़ लेता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको कहा जाता कि आप केवल बिस्मिल्लाह कहिए। बिस्मिल्लाह कहने के बाद उसकी शिक्षण प्रक्रिया शुरू हो जाती थी और इस तरीके से वो शुरू कर देता था। बिस्मिल्लाह का अर्थ क्या होता है, बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है अल्लाह के नाम से शुरू, तो उनके नाम से वो अपनी पढ़ाई शुरू कर देता था। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों बिस्मिल्लाह रस्म। बिस्मिल्लाह रस्म का मतलब मुस्लिम कालीन में शिक्षा शुरू करने से पहले अदा की जाने वाली रस्म बिस्मिल्लाह रस्म है। जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का हो जाता है तो यह रस्म अदा की जाती है। लिंग भेद के कारण दोस्तों, लिंग भेद के कारण क्या है,
मतलब लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, लड़का लड़की में भेद करते हैं, इसके प्रमुख कारण क्या है? पहले प्रमुख कारण है दोस्तों मान्यताएं तथा परंपराएं। हमारी कुछ मान्यताएं हैं जैसे कि चिता को आग बेटा दे सकता है, बेटा घर का वारिस होता है, बेटे से नस्ल आगे बढ़ती है, बेटे से ये फालतू की ड्रामे हैं। मतलब बेटा और बेटी क्या, ये आपको लगता है कि उनके खानदान उनकी नस्लें बढ़ेंगी तो बेटी से ही बढ़ेंगी, और ये हर एक धर्म या मजहब की बात नहीं है, ये सबके लोग की, ये अपने थॉट प्रोसेस पे कि सबको लगता है कि बस मेरा खानदान जो बढ़ेगा, मेरी नस्ल जो बढ़ेगी वो बेटी से बढ़ेगी। एक रहना कि जमाने भर में बढ़ी शान बेटी से, महकता रहा दिल का अरमान बेटी से, और जरूरी नहीं कि आपके बेटे ही आपका नाम रोशन करें, मेरे नबी का तो चला खानदान बेटी से। तो जो प्रोफेट थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो नस्लें आगे बढ़ी, उनका जो खानदान आगे बढ़ा, वो उनकी बेटी से बढ़ा। उनके जो बेटे थे उनकी वफ़ात पहले हो गई, तो उनकी बेटी हज़रत फातिमा, उनसे उनकी नस्लें आगे बढ़ी। जैसे मुहर्रम में इमाम हुसैन और इमाम हसन का नाम आप सुनते हैं, तो ये जो इमाम हुसैन थे वो वास्तव में उनके नाना थे प्रोफेट। तो मतलब उनकी जो नस्लें बढ़ी वो किससे बढ़ी? बेटियों से। और हमें क्या लगता है कि नहीं, एक बेटा चाहिए, एक वारिस चाहिए, वरना खानदान ठप हो जाएगा, हमारा सल्तनत कौन संभालेगा, हमारी नस्लें कैसे आगे बढ़ेंगी, हम सब अपना सल्तनत बढ़ाने वाले हैं, और हमारी सल्तनत है क्या, हमारे पास कुछ नहीं। चलो, तो लिंग भेद के कारण, पहला कारण क्या है, हम कारण को देख रहे थे कि पहला कारण क्या है। पहला है कि कुछ मान्यताएं हैं हमारे अंदर, मान्यता यही है कि बेटा ही आगे बढ़ाएगा, परंपराएं हैं, संकीर्ण विचारधारा है, छोटी सोच है, जागरूकता का अभाव है, और अशिक्षा है। ये क्या है दोस्तों? अशिक्षा है। अच्छा चलो, बात जब आई है तो एक और बात कह देता हूँ। जरा सोचो कि हमारे पास कितना पैसे हैं, या फिर कितना धन है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना संतनत है कि उसको बढ़ाने के लिए हमें वारिस चाहिए, कितना चाहिए। आप में से अगर किसी ने फ्लाइट में ट्रैवल किया है तो कब आपने बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया है? अगर आपने ट्रेन में ट्रैवल किया है तो कब आपने एसी के फर्स्ट क्लास में ट्रैवल किया है? आपके पास है कितना, या फिर मेरे पास है कितना? आई एम सो सॉरी, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास है कितना। शॉपिंग मॉल में कपड़ा खरीदने जाओ तो ब्रांड और क्वालिटी से पहले हमें प्राइस टैग देखना होता है कि कितने का है, ठीक है। गाड़ी कुछ खरीदने जाओ तो पहले अपने बजट देखना पड़ता है। घर में अगर किसी की शादी पड़ जाए तो अगले 2 साल तक के लिए पैसे हमारे पास इकट्ठा नहीं होते, ऊपर से कर्जा पड़ जाती है, घर बनवा लो तो कर्जा हो जाता है। ये हमारी सल्तनत है, ये हमारा हमारा हुकूमत है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, और इसको चलाने के लिए वारिस चाहिए। हमारे पास है ही नहीं तो वारिस लेके क्या करेंगे, वही हमारे कर्जे भरेगा। ये सब सोचे भाई, ठीक है, पैसे बनाइए अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको चलाने के लिए कोई वारिस चाहिए। कोई भी चला सकता है, बच्ची पढ़ी लिखी हो तो क्यों नहीं चला सकती, और है ही क्या चलाने के लिए। चलिए यहाँ पे आते हैं दोस्तों, शिक्षा और समवर्ती सूची। तो ये मेरी थॉट है, मतलब मैं तो पर्टिकुलर, मतलब मेरी विश है कि घर में बच्ची हो। शिक्षा और समवर्ती सूची की बात कर लेते हैं। देखो, समवर्ती सूची का मतलब, समवर्ती सूची में कुछ ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जिसके ऊपर कानून केंद्र और राज्य सरकार दोनों बना सके। तो 13 जनवरी 1977 तक जो शिक्षा जो विषय था वो 42 वो तो केवल राज्य के अधीन था, लेकिन 42वें संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया। शिक्षा को राज्य सूची प्रविष्ट 11 से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया। इस प्रकार शिक्षा विषय समवर्ती सूची में लाकर विकास का उत्तरदायित्व तो संघ और राज्य दोनों पे आ गए। मतलब अब यहाँ पे नियम और कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, सिफारिशें सुझाव जो भी हैं वो दोनों कर सकते हैं, शिक्षकों की भर्ती दोनों कर सकते हैं। तो समवर्ती सूची का मतलब, शिक्षा और समवर्ती सूची का मतलब, शिक्षा को समवर्ती सूची में 3 जनवरी 1977 के बाद 42वें संशोधन में लाया गया। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या मतलब हुआ दोस्तों? 1987 में ये ऑपरेशन किया गया, मतलब ये मुहिम चलाया गया। 1986 में हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके बाद से देखा गया कि बहुत सारे ऐसे बालक हैं, बालिकाएं विशेष तौर पे, जो कि अभी पढ़ाई से दूर हैं। तो एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया जिसमें मकसद ये था कि सभी बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाए। हालांकि बहुत कामयाब नहीं हो पाया था, कामयाब जरूर हुआ था लेकिन बहुत नहीं। इसीलिए 2001 में एक नई मुहिम चलाई गई थी जिसे सर्वशिक्षा अभियान कहा जाता है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भारत सरकार द्वारा लागू की गई योजना थी जिसे राजीव गांधी के शासन के 1986 के एनईपी द्वारा उत्पादित किया गया। सभी के लिए शिक्षा के सपने का साकार करने के लिए प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से बालिकाओं को आकर्षित करना, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन में बच्चों को एडमिशन कराना, विशेष तौर पर बालिकाओं को एडमिशन कराने का ये मुहिम था, ये सपना था, 1987 में शुरू किया गया। तो इस तरीके से एक एक नंबर में पूछता है, तो एक एक नंबर में आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, कोई समस्या, कोई समस्या है। अगला देखिए, एकलव्य के बारे में पूछता है दोस्तों। ये महाराष्ट्र सरकार में एकलव्य विद्यालय है, एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय।
तो पूरे भारत में भारतीय जनजाति अनुसूचित जनजाति के लिए मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय की विद्यालय की एक योजना की शुरुआत 1997-98 हुई थी। जनजातीय मामलों में महाराष्ट्र द्वारा सिंधे नासिक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की योजना आसपास के आदिवासी क्षेत्रों की गुणवत्ता शिक्षा को बढ़ाने के लिए की गई, मतलब आदिवासी लोगों के शिक्षा को और बढ़ाने के लिए ये योजना चालू की गई, इसे हम एकलव्य योजना कहते हैं। तो इसके बारे में पूछता है आपको, एक नंबर में लिख लेना। एक लास्ट सवाल है दोस्तों, 2020 में पूछा गया था, वो है था श्रमण, नाम बस ये लिखा था श्रमण, श्रमण के बारे में आपको बताना था। देखो वास्तव में क्या होता था, बौद्ध काल में जब बौद्ध काल में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी तो कौन सा संस्कार होता था, वैदिक काल में उपनयन, मुस्लिम काल में बिस्मिल्लाह रस्म और बौद्ध काल में पवज्जा संस्कार जिसको कहते हैं। तो जब कोई बच्चा 8 साल की आयु का हो जाता था तो पवज्जा संस्कार के बाद वो अपनी पढ़ाई शुरू कर देता। तो पवज्जा संस्कार के बाद जो बच्चे पढ़ाई शुरू करते थे वास्तव में उन्हें ही श्रमण सामनेर अथवा नौशिष्या कहा जाता था। ठीक है, तो यही हो गया श्रमण। अब ये 12 वर्ष तक शिक्षा चलती थी, 12 वर्ष शिक्षा के बाद जब 20 वर्ष की अवस्था हो जाती थी, 8 वर्ष से शुरू किया, 12 वर्ष तक पढ़ा, 20 वर्ष का हो गया, फिर उसे दोस्तों भिक्षु के रूप में प्रवेश करता और आगे की शिक्षा पाने के लिए वो एक उप संपदा संस्कार होता था उसे करता था, माता पिता के आज्ञा के बाद उसे वो दिया जाता था। तो सवाल आपसे ये पूछा था 2020 में, श्रमण किसे कहते हैं। तो बौद्ध कालिक शिक्षा में पवज्जा संस्कार के बाद 8 वर्ष की आयु के बाद जब बच्चा अपना शिक्षा शुरू कर देता था तो उस शिक्षक को उस विद्यार्थी को हम श्रमण सामनेर या नौशिष्या कहते हैं। बस यहाँ तक बात हो गई, 2020 के प्रश्न पत्र की। अब आगे बात 2021 के प्रश्न पत्र की। 2021 में भी जो 10 सवाल पूछे हैं उसको भी देख लेते हैं। मध्यकालीन, यहाँ पूछा था पहला दोस्तों मुस्लिम मध्यकालीन यानी मुस्लिम शिक्षा की 4 विशेषताएं। तो मुस्लिम शिक्षा की 4 विशेषताएं में पहला बिस्मिल्लाह रस्म, दूसरा निःशुल्क शिक्षा, तीसरा कक्षा नायकी पद्धति। कक्षा नायकी पद्धति का मतलब मुस्लिमकालीन शिक्षा में जैसे जो हिफ्स करते थे और वो बड़े क्लासरूम में चले जाते थे, वो छोटों को कायदा पढ़ाते थे, वो छोटों को मकतब में पढ़ाते थे, तो ये हो गई कक्षा नायकी। धार्मिक लौकिक शिक्षा समन्वय और धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा। देखिए ये निःशुल्क शिक्षा, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा ये हर काल में रहा है, तो मतलब अपने धर्म के बारे में बताना, नैतिकता के बारे में बताना, तो ये हो गई मुस्लिमकालीन शिक्षा की विशेषताएं। भारत में माध्यमिक शिक्षा के समस्याओं का उल्लेख करिए, जैसे मिडिल स्कूल्स में उसकी समस्याओं को बताइए कि माध्यमिक शिक्षा में क्या समस्याएं हैं अभी भारत। तो आप देखेंगे सबसे पहला, तो पहला नहीं मतलब एक ये है कि कोचिंग सेंटर की निर्भरता, बच्चों को कोचिंग सेंटर में बड़ा जाना पड़ रहा है। तो भारत के माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं हैं जैसे छात्र शिक्षक का अनुपात न होना, कहीं छात्र कम है तो शिक्षक ज़्यादा, कहीं शिक्षक है ही नहीं और छात्र ज़्यादा हैं, तो ये अनुपात भी जो गड़बड़ है। दूसरा दोस्तों विषयवार शिक्षकों का अभाव, कंप्यूटर के शिक्षक बहुत मुश्किल से मिलेंगे आपको, संस्कृत के शिक्षक बहुत मुश्किल से मिलेंगे, उर्दू के शिक्षक, तो इस तरीके से विषयवार शिक्षकों का अभाव है। पुस्तकालय का दयनीय स्थिति आप देख ही सकते हैं, मतलब लाइब्रेरी का क्या हाल है सरकारी स्कूलों की बात करें तो। परीक्षाओं का दबाव रहता है और प्रयोगशाला तो है ही नहीं, प्रयोगशाला की खराब स्थिति, इंटरमीडिएट में 10th में कहाँ बच्चों को प्रयोगशाला कराया जाता है। शांति शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय, तात्पर्य, शांति शिक्षा से क्या तात्पर्य है दोस्तों। शांति शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो यह शिक्षा दे कि संपूर्ण विश्व या संपूर्ण समाज एक घर है, आपको अहिंसा का पालन करना है, शांति व्यवस्था बनाए रखना है, एक दूसरे से प्रेम सद्भाव सहिष्णुता ये सारी चीज़ें संबंध समन्वय बना के आपको चलना है, इस प्रकार की दी जाने वाली शिक्षा शांति शिक्षा कहलाती है। लिख लेंगे, आइए देखते हैं। हैरिस और जॉन ने कहा था कि शांति शिक्षा का आशय शिक्षण के उन सभी प्रयासों से जो शांति की इच्छा की पूर्ति करते हों, संघर्षों को समाप्त करने के लिए अहिंसक उपाय बताते हैं तथा असमानता एवं अन्याय को उत्पन्न होने से रोकने के लिए मानव के विभिन्न कौशलों का विकास करते हैं। असमानता नहीं होने देना है, भेदभाव नहीं होने देना है, समानता प्रेम से सबको रहने की शिक्षा देना शांति शिक्षा कहलाती है। आरटी के बारे में पूछा था कि आरटी पारित कब हुआ था और लागू कब हुआ था। आरटी का मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो 4 अगस्त 2009 को ये पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 को सभी राज्यों में लागू कर दिया गया, उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़ के। तो ये आपसे सवाल पूछा। संविधान के अनुच्छेद 45 के प्रावधान, देखो संविधान के अनुच्छेद 45 के प्रावधानों की बात करें तो 45 में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की अवधि के भीतर 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करें। यह देश में सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है।
तो अनुच्छेद 45 यही कहता है कि राज्य क्या करे, अपने राज्य के अंतर्गत सभी 14 साल के बच्चों तक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे। ये मतलब कोई बच्चा शिक्षा से छूटे ना और पैसे के बिना कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य, अब मैं समझता हूँ कि समावेशी शिक्षा को आप समझते होंगे। समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे हर एक प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हों, चाहे वो फिजिकली डिसेबल्ड हों, फिजिकली चैलेंज हो या सामान्य हो, तो इस तरीके के सभी बालक एक साथ पढ़ते हो। दिव्यांग बालकों, अभी इसकी विशेषता, इसकी उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य यही है कि दिव्यांग की बालकों की विशेष आवश्यकता की सर्वप्रथम पहचान करना तथा निर्धारण करना। अच्छा, एक नंबर में इतनी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कोई 3 या 4 लिख देंगे काफी है, एक नंबर में इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा, चाहे वो शारीरिक अपंग हो, अपग्रस्त हो, फिर भी शिक्षा के समान अवसर से वंचित ना रह सके। तो पहला उद्देश्य यही हो गया समावेशी शिक्षा की, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना, हालांकि अगर उसको फिजिकली चैलेंज है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी वो पढ़े। शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों के शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना, बालकों की असमर्थता का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना, बच्चों में आत्मनिर्भर की भावना बनाना, मतलब समानता देना, आत्मनिर्भर देना, बच्चों को शिक्षा देना, समावेशी शिक्षा का ये उद्देश्य है। भेदभाव को मिटाना, क्योंकि जो बच्चों थोड़ा सा फिजिकली चैलेंज होते हैं तो उनको अपने आप को खुद कमजोर समझते हैं, दूसरों नहीं, ऐसा नहीं है। समझाना उनको कि आप उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाना, आत्मनिर्भर लाना, आत्मविश्वास लाना, ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। भारतीय शिक्षा में गोखले जी का योगदान, गोखले जी का योगदान दोस्तों कई बार सवाल पूछ लेता है। तो अंग्रेजी शासन के समय, जब सरकार में अंग्रेज थे, तो उस समय भारत की शिक्षा साक्षरता दर 6% थी, मतलब 6% भारतीय ही पढ़े लिखे थे। तो लोगों का कहना था कि अंग्रेज शासन में अशिक्षा घटने के स्थान पर बढ़ गई, अतः देशवासी सरकार से संतुष्ट नहीं थे। इस समय सरकार की तीव्र आलोचना के साथ साथ रचनात्मक कार्य भी बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के साथ साथ गोपाल घोष गोखले ने की। इन लोगों ने देखा कि भारत में जो अशिक्षा है वो बढ़ती जा रही है, भारत के लोग कम पढ़ रहे हैं, भाई अंग्रेज क्यों पढ़ाएंगे, उनको तो बस नौकर बनाना। तो उस समय इन लोगों ने उसका विरोध किया और भारत की शिक्षा में गोखले जी ने अपना एक प्रस्ताव रखा कि शिक्षा को इस तरह, हालांकि वो प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये सरकारें अपनी जब शिक्षा नीति लागू करी थी, उन्होंने जब चार्टर्ड एक्ट लागू किया था, तो उसमें शिक्षा का बड़ा बल दिया था, शिक्षा को उन्होंने प्रोत्साहित किया था। तो गोखले विधेयक से प्रभावित होकर भारत सरकार के प्रांतीय सरकारों को प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देने को कहा। परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न प्रांतों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए अनिवार्य शिक्षा अधिनियम बनाए गए। सभी प्रांतों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। तो इन्होंने जो प्रस्ताव रखा था, जो बिल दिया था, उसको निरस्त करने के बावजूद भी पूरे प्रांतीय राज्यों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया, उस पर बल दिया गया, उसको प्रोत्साहित किया गया। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना एवं उसके अध्यक्ष। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 2005 में हुआ था, 13 जून 2005 को, और श्री सैम पित्रोदा जी उस समय इसके अध्यक्ष थे, अभी भी हैं। ठीक है, कार्यप्रणाली 2006 से शुरू की गई थी। ठीक, तो आयोग की स्थापना 13 जून 2005 को हुई थी और श्री सैम पित्रोदा जी इसके अध्यक्ष हैं। अगला सवाल आपसे पूछा था सर्व शिक्षा अभियान। तो जैसे सर्व शिक्षा अभियान क्या है भाई, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू हुआ था, वैसे ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ था, 1986 के बाद, 1987 में सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था दोस्तों, प्रमुख लक्ष्य था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। ठीक है, अब 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को तक, 2001 से 2010 तक सभी बच्चों को क्या करना है, अनिवार्य शिक्षा देना है और मुफ्त शिक्षा देना है, स्कूल चले हम सब पढ़े सब बड़े के नारों के साथ सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया। चलिए, 2019 का पेपर यहाँ पे समाप्त होता है, अब हम शुरू करेंगे 2020 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, 2021 का समाप्त हुआ, अब हम शुरू करेंगे 2020 का क्वेश्चन पेपर। हमने पहले 22 देखा, फिर 21 देखा, अब हम देखेंगे 2020 का क्वेश्चन पेपर। देखते हैं 2020 के क्वेश्चन पेपर को, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वीडियो को कंटिन्यू करें या बंद कर दें। चलो ठीक है, फिर बंद कर देते हैं, जैसा आप लोग कहें। अच्छा ठीक है, फिर शुरू कर देते हैं। हाँ, बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई, पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को इकट्ठा करना, फिर उसका आंसर लिखना, काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन मुझे खुशी होती है, ये मेरा पैशन है, मतलब अच्छा लगता है। हाँ, लाइक कर दिया करिए आप लोग, कहना पड़ेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग अभी तक देख रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, लाइक कर दीजिए, नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ये मैं बीच में कह रहा हूँ, मैं अपने वीडियोज़ के बीच में नहीं कहता हूँ, लास्ट में कहता हूँ, मगर अभी याद आ गया तो
अब अपने दोस्तों को जोड़ना है, जितने भी कॉलेज फ्रेंड वाले हैं सबको जोड़ दो, ब्रो भाई सब्सक्राइब करो, मुझे कुछ नहीं पता सब्सक्राइब करो, बस काम खत्म। तो दोस्तों 2020 में अगर आप सवाल देखेंगे तो एक सवाल पूछा था कि समापवर्तन संस्कार, जैसे वैदिक काल में शुरू करने से पहले उपनयन संस्कार दी जाती थी ना, तो वैसे ही शिक्षा जब समाप्त होती थी तो समापवर्तन संस्कार किया जाता, कब, जब शिक्षा समाप्त हो, विदाई, विदाई समारोह समझ लीजिए। तो समापवर्तन संस्कार में हिंदू शास्त्रों का 12वां संस्कार है। प्राचीन काल में गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात जब जातक गुरुकुल से विदाई की जाती तो आगामी जीवन के लिए उसे गुरु द्वारा उपदेश देकर विदाई की जाती, इसी को समापवर्तन संस्कार कहते हैं। अच्छा एक काम करना, आपके कॉलेज में जब विदाई समारोह हो ना तो वहाँ पे विदाई समारोह नहीं लिखना, लिखना समापवर्तन संस्कार, ठीक है। विदाई संस्कार मतलब जब बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाए। वैसे भी आपका भी कोर्स पूरा है, हो रहा है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगामी जीवन के लिए। जाइए अच्छा करिए, बहुत आगे बढ़िए, अच्छा शिक्षक बनिए, शिक्षिका बनिए, पढ़ाई जारी रखिएगा, बीएड करने के बाद मेहनत करिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो 10,000 15,000 और भी कम फीसेस में आपके एमएड हो जाएंगे। एमएड करने के बाद नेट जेआरएफ की तैयारी करिएगा, एजुकेशन से पढ़ते रहिएगा, ठीक है, पढ़ते रहिएगा। दूसरा सवाल है मकतब, मकतब क्या भाई, मकतब मतलब मुस्लिम काल शिक्षा की, यह एक शिक्षा केंद्र है जहाँ पे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, प्राथमिक नहीं उच्च शिक्षा। मकतब शब्द की उत्पत्ति अरबी के कुतुब से हुई है जिसका अर्थ होता है उसने लिखा। उर्दू भाषा में कुतुब शब्द किताब का बहुवचन है। मकतब वह स्थान जहाँ बालकों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। मकतब में बच्चों का प्रवेश 4 साल 4 महीना 4 दिन की आयु पर किया जाता। प्रवेश के समय बच्चा को बिस्मिल्लाह खानी रस्म की जाती थी, बच्चों को नए वस्त्र पहनाए जाते थे और अल्लाह के नाम से उसकी शुरू की जाती थी। और उसके बाद मकतब का मतलब वो स्थान जहाँ बच्चे का एडमिशन होता था, बच्चा अपना पढ़ाई शुरू करता था, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा जहाँ पे दी जाती है। ओके तो मकतब वो स्थान जहाँ पे बच्चे की प्राथमिक शिक्षा होती थी, 4 साल 4 महीने 4 दिन के बाद उसका एडमिशन होता था, नए वस्त्र पहनाए जाते थे, मिठाई बांटी जाती थी, सच में मिठाई बांटी जाती थी। जब बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है ना तो खुरमा लेके जाता है, लड्डू लेके जाता है, बतासे लेके जाता है, पढ़ाई शुरू करता है, उसको मजा आता है। तो ये मकतब का मतलब वो एक शिक्षा केंद्र है, मुस्लिमकालीन शिक्षा का शिक्षा केंद्र है जहाँ बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। देख लेंगे एक नंबर में, बहुत सही, बहुत समझदार हो गए आप लोग। वैसे क्रमबद्ध शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, सवाल ऐसे ही पूछा था, तो वुड का जब घोषणा पत्र आया तो उसमें उन्होंने विद्यालयों को क्रमबद्ध करने की सिफारिश करी, जिसको इस तरीके से कि 1 से लेकर 5 तक के को प्राथमिक, देसी प्राथमिक विद्यालय कहा जाएगा, मिडिल स्कूल मतलब 6 से लेकर 8 तक, हाई स्कूल का मतलब 9-10 और कॉलेज का मतलब, इंटर कॉलेज का मतलब, इंटरमीडिएट का मतलब 11-12 और विश्वविद्यालय का मतलब उसकी आगे की पढ़ाई। तो ये हो गई क्रमबद्ध शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। अगला सवाल, अच्छा एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, जैसे ये 3 है, 3 के बाद से सीधे 5 आ गया, इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं अभी बताऊंगा। श्री अरविंदो आश्रम, अरविंदो आश्रम क्या है भाई, ये पांडिचेरी के पांडिचेरी में स्थित एक आश्रम है। श्री अरविंदो आश्रम एक आध्यात्मिक समुदाय, एक आश्रम है जो यहाँ पर स्थित है। यह आश्रम उनके शिष्यों एक छोटे समुदाय से विकसित किया गया, उनके जो शिष्य थे उन्होंने ही विकसित किया था। वो शिष्य जो थे 1910 में राजनीति से वंचित होने और पांडिचेरी में बसने के बाद श्री अरविंद जी के पास एकत्रित हुए थे और उन्होंने इसका निर्माण किया था उनके लिए। तो बस यही पूछा था, आश्रम 1 नंबर में आप लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत। ग्रामीण विश्वविद्यालय की बात करें दोस्तों, ग्रामीण विश्व, अच्छा एक और चीज़, हाँ ग्रामीण विश्वविद्यालय, जब भारत स्वतंत्रता के उपरांत 1948 में ये यहाँ पे राधा कृष्णन आयोग की कमीशन, मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी गई, इसके सर्वपति राधा कृष्णन इसके अध्यक्ष थे। इसके अंतर्गत देश की शिक्षा आवश्यकताओं को सुधारने का काम किए जाने लगा, तब इसमें सलाह दी गई कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, गांव में भी विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो वहां से ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापना है। पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय दोस्तों महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1991 ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई। तो ये हो गई ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण विश्वविद्यालय के बारे में। समावेशी शिक्षा मतलब वही शिक्षा व्यवस्था जिसके अंतर्गत हर एक प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती हो, बालक तथा सामान्य बालक, शारीरिक रूप से बाधित बालक और सामान्य बालक को एक साथ शिक्षा दी जाती है, ऐसे शिक्षा व्यवस्था को समावेशी शिक्षा कहते हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अक्टूबर 2013 में शुरू की गई केंद्र सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं को रणनीतिक वित्तपोषण प्रदान करना है, मतलब आर्थिक सहायता करना, पैसे देना और उसको सिस्टमेटिक करना।
उच्च शिक्षा संस्थान, ठीक है। इसमें दोस्तों एक नए चरण के लक्ष्य में सुविधा से वंचित क्षेत्र, अपेक्षाकृत कम सुविधा वाले क्षेत्र, दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र, इन सारे क्षेत्रों में दोस्तों, इन सारे क्षेत्रों में वंचित में इस क्या करना है, उनको वित्तीय सहायता देना, उनको पैसे देना, उनको इम्प्रूव करना, आगे बढ़ाना। तो ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था कि उच्च शिक्षा के लिए सरकार पैसे खर्च करेगी, आप इसको पढ़ाइए। अब आप कहोगे सर 8 के बाद से कैसे खत्म हो गया। एक्चुअली क्या था दोस्तों, इसे 9वां सवाल क्या था, 9वां सवाल समावेशी शिक्षा जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं 10वां। यहाँ पे कुछ सवाल छूट गए थे, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसलिए कि हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को पहले ही देख चुके हैं। और एक और छूट गया था दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये कौन सा था, हाँ एक और दोस्तों, लिंग विभेद के कारण। तो लिंग विभेद के कारण भी हम पहले देख चुके हैं, तो जो सवाल हम पहले देख चुके हैं और ये दोबारा भी रिपीट हुए हैं, तो उसको हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, इसीलिए कुछ सवाल यहाँ पे 8 ही सवाल यहाँ पे थे। अब आइए 2019 के क्वेश्चन पेपर पे चलेंगे और 19 के क्वेश्चन पेपर को समझने की कोशिश करेंगे। ये रहा 2019 के क्वेश्चन पेपर। 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी अगर आप देखेंगे तो RTE हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पीस एजुकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। और NCERT नहीं देखा है हमने, बस देख लेंगे। बिस्मिल्ला रस्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये 3 सवाल तो ऐसे रिपीटेड हैं, इसमें केवल 7 सवाल बचेंगे, तो शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल है दोस्तों विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार भी ऑलरेडी देख चुके हैं। विद्या आरंभ संस्कार का मतलब वह संस्कार जो विद्या को आरंभ करने से पहले दी जाती हो, विद्या आरंभ संस्कार कहते हैं। वैदिक काल में इसको उपनयन संस्कार, बौद्ध काल में पवज्जय संस्कार, मुस्लिम काल में बिस्मिल्ला रस्म कहा जाता है। बस इसमें होता क्या है, एक्चुअली हम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। इसमें बच्चों के अध्ययन को उत्साह पैदा करने के लिए किया जाता है। वहीं अभिभावकों और शिक्षकों को भी उनके दायित्व के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसमें वो बच्चों को अच्छा ज्ञान विषय ज्ञान से जीवन का अभ्यास करें। बच्चों को हम प्रोत्साहित देते हैं, माँ बाप को समझाते हैं कि कैसे उनका भी सहयोग चाहिए इसमें। तो विद्या आरंभ का मतलब दोस्तों, विद्या का आरंभ करने से पहले दिए जाने वाला संस्कार। लास्ट में आप लिख लीजिएगा कि वैदिक काल में उपनयन, बौद्ध काल में पवज्जया और मुस्लिम काल में बिस्मिल्ला रस्म कहा जाता था। बस काम खत्म। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ी सी टिप्पणी कर दीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ दोस्तों, बिहार में स्थित है। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान यहीं पढ़ा था, चाइना का। उसके साथ साथ अन्य धर्म और अनेक देशों के छात्र भी पढ़ते थे। वर्तमान में ये बिहार में स्थित है। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से भी शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। ये बड़ा ही फेमस था, अभी भी है, हालांकि अभी वो व्यवस्था नहीं रही, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय के पास ये एक प्रमुख विश्वविद्यालय था भाई। मतलब यहाँ पे एडमिशन लेना बहुत कठिन था, यहाँ के एडमिशन लेने के लिए ना, अभी अभी आप यूँ समझ लीजिए कि अभी आप जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सुनते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सुनते हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सुनते हैं, तो इस तरीके के जब आप यूनिवर्सिटीज़ का नाम सुनते हैं ना, तो उस जमाने का ये भी उससे भी विख्यात विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय। अब आइए निस्यंदन सिद्धांत क्या है, फिल्ट्रेशन थियरी को अंग्रेजी में कहते हैं। मैकाले जब भारत आया तो उसने कहा था कि आपको अगर भारत में शिक्षा देना है तो भारत में एक प्रवृत्ति है, आप केवल अमीरों को शिक्षा दीजिए। उसने कहा था कि समाज के केवल उच्च वर्गों को शिक्षा देने जाए, समाज के जमीनी स्तर के लोगों को भी औसत सुविधा, क्योंकि निम्न वर्ग के लोग हमेशा समाज के उच्च स्तर के लोगों के मॉडल का अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो इसी को निस्यंदन सिद्धांत कहते हैं, फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। इसमें कहना क्या था मैकाले का, मैकाले ने दिया था, याद रखिएगा। तो मैकाले ने कहा था कि आपको अगर भारत में शिक्षा व्यवस्था सुधार करनी है तो अमीरों को पढ़ाइए, उच्च वर्ग के लोगों को पढ़ाइए, और नीचे के लोग उनको कॉपी करते करते, अनुसरण करते करते उन तक शिक्षा पहुंची जाएगी। मतलब ऊपर के वर्गों से छनते हुए नीचे के वर्ग तक आए, इसी फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं, इसे निस्यंदन सिद्धांत कहते हैं। मैकाले ने दिया था, ठीक है, लिख लीजिएगा, बहुत आसान है भाई, कोई बात नहीं। अब आता है भाई अपव्यय एवं अवरोधन। अपव्यय का मतलब शिक्षा में क्या है, फिजूल खर्च। शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग इसी अर्थ में होता है कि जब कोई बच्चा किसी पाठ्यक्रम, चाहे माध्यमिक में हो, प्राथमिक में हो, उच्च में प्रवेश लेने के बाद उसे पूरा किए बिना बीच में छोड़ देता है, तो अपव्यय हो गया, मतलब नुकसान हो गया। अवरोध का मतलब किसी कारणवश शिक्षा में रुकावट आ गई, जैसे 1 साल का कोर्स वो फेल हो गया, मतलब पढ़ तो रहा है लेकिन वो रुकावट हो गई, फेल हो गया। इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता है, कोई बच्चा किसी निश्चित समय में पाठ्यक्रम को उससे अधिक समय में पूरा करता है तो इसे अवरोधन कहते हैं। अवरोधन इसलिए कि इसमें किसी एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम में उतने ही समय में पूरा करने में अवरोध होता है,
छात्र अध्ययन के क्रम में रुकावट आती है। तो कोई बच्चा अगर पढ़ाई छोड़ देता है तो अपव्यय हो गया, कोई बच्चा अगर फेल हो जाता है उसके बाद 1 साल के बजाय 2 साल देता है तो इसे अवरोधन कहते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं वृथा शिक्षा योजना। मुझे ऐसे ही मुस्कुराना पड़ता है, ऐसे ही बात कर हंसना पड़ता है, बाकी वरने मेरे जीवन में क्या है, मैं मोबाइल को देख रहा हूँ, स्क्रीन को देख रहा हूँ, यहाँ पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे समझा रहा हूँ। आप लोग को लगता होगा कि आह क्या मजे की जिंदगी है, अच्छा बेटा आओ तुम भी ले लो मजा। अच्छा चलिए वृथा शिक्षा योजना की बात करते हैं। महात्मा गांधी जी की भारत को जो देन है उसमें बुनियादी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं बहुमूल्य है। इसे वृथा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम तथा बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने 23 अक्टूबर 1937 को नई तालीम की योजना बनाई जिसमें राष्ट्रव्यापी व्यवहारिक रूप दिया जाना था। वर्धा शिक्षा योजना महात्मा गांधी जी ने 23 अक्टूबर 1937 को शुरू की गई थी। इनको अन्य इन नामों से जाना जाता है, एक नंबर के लिए इतना काफी है। आइए आरटी की बात करें दोस्तों, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जिसको पारित किया गया था, अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया था। इसमें क्या हुआ दोस्तों, ठीक है 6 से 14 कर लीजिए, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे को अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए आरटी एक्ट 2009 लाया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश के बच्चों को अनिवार्य एवं जरूरी शिक्षा की गारंटी देता है। मतलब ये गारंटी देता है कि देश का हर एक बच्चा 6 से 14 साल तक वो प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है उसके लिए और वो हासिल कर सकता है। एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी का पूरा नाम दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है और यह भारत की एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने के लिए सभी तरह की मदद करती है। कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों से जुड़े मामलों पर काम करके केंद्र सरकार राज्य सरकार को उचित सलाह देता है और एनसीईआरटी की पुस्तकें सभी स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। एनसीईआरटी द्वारा पब्लिक पुस्तकें सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। ये बात हो गई एनसीईआरटी की, एक नंबर के लिए बहुत है। चलिए 2019 भी यहाँ पर समाप्त हुआ। एक क्वेश्चन यहाँ पर, कई क्वेश्चन रिपीटेड थे जैसे मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर दोस्तों ये आखिरी है 2018, तो 2018 को अगर आप देख लेंगे तो आपके 5 सालों के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कि क्या इसमें कुछ रिपीटेड है, रिपीटेड है, रिपीटेड है, रिपीटेड सर्व शिक्षा अभियान रिपीटेड है, ओके मकतब और मदरसा रिपीटेड है, गुरुकुल रिपीटेड है, बट कोई बात नहीं, देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। चार्टर्ड एक्ट 1813 का मतलब क्या हुआ, देखिए भारत में जो कंपनी काम करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके लाइसेंस को हर 20 साल में रिन्यू किया जाता था। तो 1813 में भी इसको रिन्यू करने का समय आया, मतलब पुनर्नवीकरण, मतलब इसको करने का टाइम था। तो 1813 में एक नई धारा जोड़ दी गई जिसको हम धारा 43 कहते हैं और इसमें कहा गया कि कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो भारत की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेगी, वो भारतीय साहित्य के उत्थान के लिए और भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए 1 लाख रुपये प्रत्येक वर्ष खर्च करेगी। तो यही हो गया मतलब राष्ट्रीय एक्ट, चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। इसके बाद से बहुत बड़ा विवाद हुआ था तो सबको हम एक नंबर में नहीं लिखेंगे, एक नंबर के लिए इतना काफ़ी है कि शिक्षा में कंपनी को एक नई धारा जोड़कर आदेश दिया गया कि वो भारत की शिक्षा में प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए कम से कम खर्च करे। वुड के घोषणा पत्र का योगदान बताइए या प्रभाव बताइए कि क्या योगदान रहा और क्या प्रभाव पड़ा। दो प्रभाव पड़े भाई, तत्कालीन प्रभाव पड़ा, क्या पड़ा भाई कि 1956 तक सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना हो गई, हर एक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना हो गई, शिक्षा विभाग बन गया, सभी प्रांतों में सहायक अनुदान प्रणाली शुभारंभ हो गया, सभी स्तर के स्कूल कॉलेजेस की स्थापना हो गई, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, हाई स्कूल, विश्वविद्यालय, इस तरह की विश्वविद्यालय की स्थापना होने लगी। 87 में कोलकाता मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। दीर्घकालीन प्रभाव क्या पड़ा, इतना नहीं लिखना है, कोई भी 3-4 पॉइंट लिख लीजिएगा एक नंबर में। शिक्षा राज्य का दायित्व माने जाने लगा, राज्य का नियंत्रण, मतलब अब ये राज्य की जिम्मेदारी हुई कि आपको बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षा के बारे में आपको खर्चा उठाना है। सहायता अनुदान प्रणाली का अनावृत किया गया, शिक्षा संगठन के विभिन्न स्तरों को विभाजित किया गया, शिक्षा भारतीय शिक्षा के उद्देश्य आधुनिक भारतीय परिप्रेक्ष्य को निश्चित किया गया, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा गया, जन शिक्षा, स्थिर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, अध्यापक शिक्षा की प्रगति हुई, मतलब टीचर को भी ट्रेनिंग देने लगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये है योगदान बोर्ड के घोषणा पत्र का। अगर एक नंबर में पूछता है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बट 3-4 पॉइंट जरूर आप लिखिएगा। मिड डे मील के बारे में दोस्तों, मिड डे मील का मतलब क्या होता है, यह एक केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई वह योजना है जिसमें छात्रों को दोपहर के समय भोजन कराया जाता है, ठीक है। यह योजना सबसे पहले कहाँ पे, तमिलनाडु में 1962 में शुरू की गई थी। वर्तमान में दोस्तों इस योजना का नाम बदल दिया गया, 2021 में इस योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना पीएम पोषण योजना कर दिया गया, ठीक है।
तो इस स्कीम के तहत हर रोज करोड़ बच्चों को स्कूल 2 करोड़ बच्चों को स्कूल स्कूल में भोजन करवाया जाता है। मतलब जितने भी बच्चे हों सबको क्या कहता है, भोजन करवाया जाता है। मिड डे मील का मतलब दोपहर के समय बच्चों को भोजन कराना है। और इस समय वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया, कब बदला गया, 2021 में, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली वही वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली की बात है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में क्या होता था भाई, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाता था। किस संस्कार के बाद, उपनयन संस्कार के बाद। इसमें छात्र माता पिता से अलग होकर गुरु के पास ही शिक्षा प्राप्त करते थे, या गुरुकुल पद्धति कहलाती थी। छात्र गुरु के ब्रह्मचर्य का पालन करना शिक्षा सिखाते थे। श्रवण मनन निधि ध्यासन शिक्षण की प्रक्रिया थी। गुरुकुल शिक्षा के केंद्र थे। गुरुकुल में योग्य तथा चरित्रवान व्यक्ति शिक्षा देते थे। इन गुरुकुलों में छात्र 12 वर्ष तक विद्याभ्यास करता था। ज्ञान सुधा के सम्मेलन में भी रहते, समय समय पर विद्वानों के सम्मेलन में होते थे। गुरुकुल का मतलब ये प्रमुख शिक्षा केंद्र था, जहाँ वैदिक काल में बच्चे माता पिता के आज्ञा के बाद माता पिता से दूर होकर रह के गुरु के साथ पढ़ते थे, गुरु जी भी साथ में रहते थे। इसमें 12 वर्षों तक विद्याभ्यास होता था। इसमें तरह तरह के सम्मेलन होते थे। ये सारी चीजें हुई गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के बारे में। बात कर लेते हैं मकतब और मदरसा। देखिए ये वो सारे सवाल है जो कई बार रिपीटेड है और आसानी से। अभी मकतब का मतलब, मदरसा का मतलब, मकतब का मतलब प्राथमिक शिक्षा मुस्लिम कालीन शिक्षा में, और मदरसे का मतलब उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में भाषण द्वारा शिक्षा दी जाती थी। ये इसमें बिस्मिल्ला रस्म होता था। इसमें उर्दू फारसी अरबी भाषा के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। मकतब और मदरसा आप इस तरीके से इसको लिख लीजिएगा। चलिए आइए मैं पढ़ देता हूँ, वरना आप कहोगे कि सर क्या ये। अब चलो कितने ही क्वेश्चन बचे हैं, दो चार ही क्वेश्चन बचे ना, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। चलिए, मकतब अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लिखना, अर्थात वह स्थान जहाँ लिखने पढ़ने की शिक्षा दी जाती थी। मकतब प्रायः मस्जिद से जुड़े होते थे। मकतब में बालक का प्रवेश 4 साल 4 महीना 4 दिन हो जाने पर बिस्मिल्लाह रस्म के साथ होता था। मदरसे की बात करें, मध्यकालीन शिक्षा में मदरसा उच्च शिक्षा केंद्र थे। तत्कालीन मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे। मदरसा अरबी भाषा के दरस से बना है, जिसका अर्थ होता है भाषण देना। इस प्रकार मदरसे का अर्थ हुआ वह स्थान जहाँ पे भाषण व्याख्यान दी जाती है। मदरसा बड़े बड़े पुस्तकालय में होता है और छात्रावास भी होते हैं, बच्चे वहीं रहते हैं। राज्य द्वारा संचालित मदरसों में अध्यापकों की नियुक्ति शासकों द्वारा की जाती थी। तो ये हो गया दोस्तों मदरसे के बारे में। अब आइए एनसीटीई के बारे में देख लेता हूँ। एनसीटीई राष्ट्रीय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, ठीक है। इस परिषद की स्थापना दोस्तों 1973 में की गई। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य था शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करना। आपके बारे में तो इस परिषद का कार्य शिक्षक शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में सलाह मशवरा देना था। और एनसीटीई का मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया। यह परिषद शिक्षकों को शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन करती है, तत्पश्चात उन समस्याओं के समाधान हेतु अपना सुझाव प्रस्तुत करती है। एक और पॉइंट है दोस्तों, इग्नू। इग्नू का मतलब दोस्तों इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985 में इसकी स्थापना की गई। क्यों की गई भाई, क्यों की गई? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर यूनिवर्सिटी रखा गया। मुख्यालय दिल्ली में है और पूरे भारत में चलता है। ये क्यों गई की गई भाई, वह व्यक्ति जो रेगुलर क्लास नहीं कर पाते हैं वो भी शिक्षा हासिल कर लें। इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं, इसमें आपको क्लास रेगुलर आने की जरूरत नहीं, तो आप कहीं से भी इसकी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप इग्नू के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट, माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई। इन्हें मुदालियर आयोग भी कहा गया। आयोग ने पाठ्यचर्या में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि सिफारिशें की। 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता था उसकी सिफारिश इन्होंने ही की थी, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, कोठारी आयोग ने। समाप्त हो गया ये वीडियो यहाँ पे। इसके जो सारे पॉइंट थे हमने देखे थे, आइए एक बार रिपीट देख लेते हैं, कोई छूटा तो नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग हो गया। आरटीई 2009 तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बहुत जरूरत नहीं है। इग्नू देख लिया, एनसीटी देख, मकतब मदरसा, मिड डे मील, गुड का घोषणा पत्र, चार्टर्ड हो गया भाई, सारा सवाल यहाँ पे समाप्त हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपने, चलिए इस तरीके से आपने पिछले 50 सवाल देख लिए जो भी पूछे गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, रिपीटेड था, कई बार सवाल पूछा जाता है। मैं आशा करता हूँ बहुत आसानी से आप इस पूरे पेपर को आप कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे यहाँ से जाना होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, किसी अन्य जानकारी के साथ। अगर कोई आपका विषय छूट गया है उसके भी पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को हम देख लेंगे। मेहनत लगती है, अच्छा लगता है मुझे, मतलब मेरी वजह से अगर किसी का फायदा हो जा रहा है तो कितना बड़ा। अगर देखिए मैं पर्सनली
हम दो लोग हैं तो हम दोनों लोग रिसर्च करके बनाते हैं। एक जो एडिटर है वो ये पूरा एडिटिंग उन्हीं का काम है, वही एडिट करती हैं, अच्छा करती हैं। तो मैं उनको टॉपिक दे देता हूँ, वो लिख लेती हैं। तो किसी दो लोगों की मेहनत करने से क्या होता है, कितने बच्चों का फायदा हो जाता है, कितने बच्चों को समझ आ जाता है कि हाँ ऐसे सवाल पूछा जाता है, ऐसे हमें लिखना है। सो खुश रहिए, मतलब मुझे लगता है कि चलो अच्छा हुआ आपके साथ, मतलब मैंने कुछ आपके फायदे के लिए कुछ काम किया तो मुझे अच्छा मिलता है, अच्छा लगता है। सो बस इसीलिए मैं ये बना देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। तो कमेंट में बता दिया करिए कि कैसा लगा वीडियो आपको, कैसा लगा समझ के, अपनी प्रतिक्रियाएं दे दिया करिए क्योंकि वो पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना है दोस्तों, लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं जुड़े हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, उनको भी कहिएगा कि क्या कर रहे हो, आ जाओ जुड़ जाओ चैनल से, ठीक है। उनको कहो कि बीएड पढ़ना है, आ जाओ पढ़ा दूंगा, तो उनको कहिए कि सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो जय हिंद जय भारत, खूब ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, जय हिंद।